सबसे पहले सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों एक बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के आ रही है अग्निवीर का। दोस्तों जो आपको इंतज़ार था उसका नोटिफिकेशन का, तो दोस्तों अग्निवीर का नोटिफिकेशन फाइनली आपके सामने निकल के आ चुका है। और दोस्तों किस किस एआरओ का नोटिफिकेशन निकल के आया है और क्या इस प्रकार इस बार भर्ती में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, एज को लेकर चाहे या फिर दोस्तों अन्य प्रोसेस को लेकर, जो आपका मेडिकल है और फिजिकल है, ये सारी प्रोसेस को लेकर क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं और ज़्यादातर बदलाव एज में किया गया है, तो सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। तो दोस्तों जिस एआरओ का आपका जो है आया है आपका नोटिफिकेशन, तो हम उस एआरओ के ऑफिशियल पीडीएफ पर चल रहे हैं और वहां पर दोस्तों सारी जानकारी आपको सटीक रूप से बताएंगे और किसी भी नए भाई को कोई भी तरह से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है यहां पर आपका ऑनलाइन एग्जाम की डेट दे दी गई है और रजिस्ट्रेशन की डेट दे दी गई है और उसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहली बात की जाए आपके आर ओ एच क्यू चेन्नई की, तो दोस्तों इसके बारे में इसके ऑनलाइन एग्जाम की डेट दे दी गई है कि 17 अप्रैल 2023 को से इनका एग्जाम जो है चालू हो जाएगा। और रही बात दोस्तों रजिस्ट्रेशन की, तो 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च इसकी जो दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग की डेट है, यानी 16 फरवरी से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है और दोस्तों 15 मार्च तक आपको फाइनली इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है दोस्तों और कंप्लीटली अपना प्रोसेस कर लेना है। अब रही बात दोस्तों अपने आप सोचेंगे कि चेन्नई एआरओ का तो नोटिफिकेशन आ गया, अब बताइए कि हमारा जो है अदर एआरओ जो है उनका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले जो रेली भर्ती भी होती थी, तो वहाँ पर भी दोस्तों अदर एआरओ की जो है भर्ती यानी एआरओ वाइज भर्ती होती थी। तो दोस्तों जैसे आज समझ लीजिए चेन्नई एआरओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो दोस्तों कल परसों नरसों यानी 20 तारीख तक सारे एआरओ के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं चेन्नई एआरओ के नोटिफिकेशन पर और देखते हैं कि किस प्रकार से क्या चेंजेस किया गया है इस बार की भर्ती में, हाइट वेट चेस्ट और दोस्तों इसके साथ साथ मेडिकल फिजिकल और सारे जो है सारी प्रॉपर्टीज को लेकर। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने हम आप यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है चेन्नई के। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका यहाँ पर बता दिया गया कि ऑनलाइन एग्जाम इनके जो है 17 अप्रैल तक कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम एज को लेकर सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो एक डिसएडवांटेज दे दिया गया है कि जो ट्रेडमैन की जो भर्ती होती थी अग्निवीर की, उसमें दोस्तों पहले 23 वर्ष आयु दी जाती थी, लेकिन दोस्तों इस बार जो है ओनली 21 वर्ष ही दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अग्निवीर जीटी का जो इस बार एज है 17.5 से 21 वर्ष है। और दोस्तों कब से एज काउंट किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद टेक्निकल का भी दोस्तों जो है आपका 17 से 21 है। इसके बाद दोस्तों साथ में क्या जाए बात की जाए क्लर्क का और दोस्तों स्टोर कीपर की, तो उसका भी 17.5 से 21 और ट्रेडमैन जो आपका 10th पास होता है उसका भी 17.5 से 21 और जो 8th पास होता है ट्रेडमैन उसका भी 17.5 से 21 वर्ष है। यहाँ पर एज मांगा गया है यानी एज कहाँ से काउंट हो रहा है, तो आपको मैं बता दूँ अगर से आपका जन्म 10/1/10वां महीना 2002 से लेकर के अगर से आपका जन्म 1/4/2006 यानी अगर से आप 1/10/2002 से लेकर के 1/4/2006 के बीच आपका जन्म हुआ है, तो दोस्तों आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपका जो है एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए दोस्तों इसके आपके सारा कुछ जो है इनका आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिस सारे स्टेट वाइज जो है आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्या वो जो क्राइटेरिया है, जैसे आपका हाइट वेट चेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, ये सारा यहाँ पर दिखाया गया है। और आपका जो है दोस्तों हाइट के अकॉर्डिंग वेट मांगा है, जैसे 170 आपकी हाइट है तो 52 कीजिए, आपका दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम वजन होना चाहिए और दोस्तों मैक्सिमम वजन जो है ये जो लिमिट दिखा रही है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे आप जुड़ जाना, वहाँ पर मैं दोस्तों आपको ये जो नोटिफिकेशन है प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसे अच्छे से वहाँ पर अच्छे से शालीनता से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूँ। तो सिलेबस दोस्तों यहाँ पर सबका अलग अलग है, जैसे स्टोर कीपर क्लर्क और ट्रेडमैन और इसके साथ साथ जीडी, इसका सिलेबस दोस्तों सबका अलग अलग है। बस एक ही बात यह है कि जो आपका जीडी है और उसके साथ साथ आपका ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन चाहे वो 8 पास हो या 10 पास हो, उनका ही सिलेबस सेम टू सेम है, जिसमें जीके जो है 15 नंबर का, जीएस जो है आपका 15 नंबर का और उसके साथ साथ रीजनिंग 5 नंबर का और मैथ जो है 15 नंबर का पूछा जा रहा है, यानी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे और 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है। और इसके अलावा जो है अदर ट्रेड वाले जो अप्लाई करने वाले हैं वो भी जो है नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा मैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपको सबसे पहला जो फेस वन में क्या होने वाला है, दोस्तों आपका सबसे पहले फेस वन में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपका फेस वन में ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों क्या क्या होने वाला है तो आप सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद दोस्तों आपको एडमिट कार्ड का नॉर्मली रूप से सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है और उसको दोस्तों उसके साथ साथ पूरे पूरे जो भी एग्जाम देने के संबंधी जो भी रूल रेगुलेशन है सब यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसे अच्छे
से पढ़ लीजिए। और इसके बाद दोस्तों फेज़ टू में आपका क्या होगा ये भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फेज़ टू में आपका दोस्तों नॉर्मली फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के लिए दोस्तों जो भी कैंडिडेट अगर से रिटर्न क्वालिफाई होंगे तो उनका रिटर्न क्वालिफाई कैंडिडेट का दोस्तों फिजिकल के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और मेरिट लिस्ट बनाने के बाद उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा और एडमिट कार्ड में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको दोस्तों जो है फिजिकल केंद्र पर जाना पड़ेगा। और उनके लिए दोस्तों क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो आपको बता दूँ, 20 उनको फोटो अपनी फोटोग्राफ बनवाना है कलर वाली, और दोस्तों वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और उस पर जो अच्छे तरीके से आपके कान और बाल होने चाहिए, और इसके साथ साथ दोस्तों उस पर डेट भी होना चाहिए मेंशन। इसके बाद दोस्तों बात की जाए तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे इससे रिलेटेड सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये अभी इन्फॉर्मेशन उतना पढ़ना आवश्यक नहीं है क्योंकि अभी पहले तो आपका एग्जाम है, तो आपको एग्जाम पर फोकस करना आपका जरूरी है। और एग्जाम जैसे ही आपका हो जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड भी आपकी सारी जो है वीडियो बना देंगे। और जो पहले जो फिजिकल में जो भी होता था वही सारा प्रोसेस इस बार भी होने वाला है। 1600 मीटर की रनिंग ही होने वाली है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सब कुछ सेम टू सेम है, बस आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम कराया जा रहा है। और दोस्तों मैंने आपको जो है आपका इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपका मेन सभी को एज का कंफ्यूजन था, तो आपका दोस्तों 10 तारीख आपका दोस्तों 1 तारीख 10वां महीना 2002 से लेकर के अगर से 1 तारीख 4वां महीना 2006 इसके बीच कभी भी जन्म हुआ है तो आप दोस्तों ये फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है इसके अभी तो चेन्नई आर ओ के चालू हो गए हैं रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म भरना, और इसके 17 अप्रैल से दोस्तों पेपर भी हो जाएंगे चालू। तो दोस्तों आपको भी आर ओ के कभी भी आ सकते हैं, ये 20 फरवरी तक आपके सारे आर ओ के दोस्तों नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो दोस्तों आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप बस ये जो नोटिफिकेशन के राह न देखते हुए अपनी रिटर्न की तैयारी पर फोकस करें, और दोस्तों रिटर्न की तैयारी के साथ साथ फोकस करने के साथ साथ हो सके तो अपनी थोड़ी बहुत फिजिकल की भी तैयारी। और दोस्तों हमारे चैनल पर ये अग्निवीर से रिलेटेड सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलेंगी, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए 12 बजे रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो आपका इतना तो काम है कि हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।